फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे बेलों वाले पौधे शेयर करूंगी, यानी वाइन वाले प्लांट ऐसे शेयर करूंगी जो कि आप अभी इस टाइम इस गर्मी में लगा सकते हैं। ये वो प्लांट होंगे जो पूरी गर्मी आपके गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और खूबसूरत वाइन जो कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और पूरी गर्मी आपके गार्डन में फ्लावर खिलेंगे और गार्डन को खूबसूरत बनाए रखेंगे। तो गर्मी में अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वो कौन कौन से वाइन हम लगा सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो वाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है फ्रेंड्स अपराजिता, जिसे शंख पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत शुभ पौधा होता है, इसे हर कोई अपने घर में लगाना पसंद करते हैं, शुभ मानते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर आप नर्सरी से परचेस करने जाएंगे तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 या 100 रुपीज़ में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये प्लांट ब्लू वाइट इस तरह से कलर में मिलता है। सिंगल पैटल डबल पैटल में भी ये फ्लावर आते हैं, इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। अभी से अगर आप इस प्लांट को लगाएंगे तो पूरी गर्मी बरसात यहाँ तक नवंबर तक आपको इन बेलों वाले पौधे में अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। ये परमानेंट प्लांट होते हैं और आपके गार्डन में एक बार आने के बाद फिर ये हमेशा आपके गार्डन में रहेंगे। विंटर सीजन में ये प्लांट डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, इसीलिए विंटर सीजन में इनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, बट जैसे ही बाहर का मौसम आता है ये प्लांट फिर से हरा भरा होने लगता है और मार्च एंड या अप्रैल आते आते इसमें फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए इन पौधों को आप अभी ग्रो कर सकते हैं, नर्सरी से परचेस कर सकते हैं प्लांट को, या फिर आप सीड से भी इन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स वो है मधुमालती। ये भी गर्मियों के मौसम में अच्छी खासी फ्लावरिंग करने वाला एक खूबसूरत सा वाइन होता है। इसमें कई कलर के फूल एक साथ खिलते हैं, गुच्छों में फूल आते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। जब ये प्लांट आप परचेस करें तो इसे छोटे पॉट में लगाएं, बट जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होने लगे इसे प्लांट के अकॉर्डिंग आपको बड़े पॉट में शिफ्ट करना होगा और अच्छी फर्टिलाइज़र के साथ इस प्लांट को ग्रो करेंगे तो आपका ये प्लांट बहुत ही अच्छी पूरी गर्मी बरसात नवंबर के मंथ तक, जैसे कि मैंने कहा, फ्लावरिंग करेगा और आपके गार्डन को खूबसूरत बनाए रखेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप ट्रम्पेट वाइन लगा सकते हैं। ट्रम्पेट वाइन में बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे कलर आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लगा सकते हैं। सारे ही ट्रम्पेट वाइन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है पूरी गर्मी, ऐसे लगेगा कि पूरा वाइन एकदम से फूलों से भरा हुआ है, इतनी हैवी क्वांटिटी में इनमें फ्लावरिंग होती है। अगर आप इन्हें ज़मीन में लगाते हैं तो आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप इसे पॉट में लगाते हैं तो अच्छा खाद फर्टिलाइज़र और पॉट का साइज़ सही रखेंगे तो आपको पॉट में भी ये प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग देगा। फर्टिलाइज़र पर फोकस रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो फ्लावरिंग प्लांट में आपको हमेशा ही अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगा। ये प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है और नर्सरी में परचेस करने जाएंगे तो ये 100 टू 150 तक आपको इसकी सारी वैरायटी का प्लांट मिल जाएगा। फिर फ्रेंड्स आप परचेस कर सकते हैं बोगनविला का प्लांट। बोगनविला एक बहुत ही हार्डी हीट टॉलरेट प्लांट होता है, इसमें बहुत सारे कलर के फ्लावर्स आते हैं और मैक्सिमम इसकी प्राइस जो है वो 40-50 तक आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। आजकल हाइब्रिड वैरायटी के भी बोगनविला आने लगे हैं, इसीलिए अगर आप हाइब्रिड वैरायटी के बोगनविला परचेस करना चाहते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, बट जो नॉर्मल वैरायटी का होता है, जो देसी वैरायटी होता है, उसे आप बहुत ही आसानी से 40-50 रुपीज़ में परचेस कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट परमानेंट प्लांट है जिसे कि आप पूरे साल फ्लावर पा सकते हैं, बट गर्मियों के मौसम में, बारिश के मौसम में इसमें बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। के बाद फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं एलामांडा। एलामांडा में भी कई सारी वैरायटी आती है, इसमें बुश एलामांडा भी मिलता है और वाइन एलामांडा भी मिलता है। अगर आप बुश ग्रो करना चाहते हैं तो आप बुश प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज एलामांडा के वाइन में भी बहुत ही हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती है और अभी अगर आप लगाते हैं तो इसे नवंबर तक आप इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग पा सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट है, नर्सरी से परचेस करने जाएंगे तो अंडर 100 रुपीज़ में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो मिल जाता है 80-100 रुपीज़ में एलामांडा का वाइन, तो बहुत ही आसानी से आप इसे अभी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं ब्लीडिंग हार्ट। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे बहुत ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है और बहुत ही आसानी से इसमें बहुत ही अच्छी हैवी क्वांटिटी में आप फूल पा सकते हैं, इसीलिए अगर आप बालकनी में ग्रो करना चाहें तो आप ब्लीडिंग हार्ट को ग्रो कर सकते हैं। मिनिमम से सनलाइट में इसमें अच्छी फ्लावरिंग आप पा सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होता है, पूरे साल इसमें आपको फूल मिलेगा। विंटर सीजन में ये प्लांट डॉर्मेंसी में होता है, इसीलिए विंटर सीजन में इसमें फूल नहीं आते हैं, बट जैसे ही बाहर का मौसम आता है वैसे इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है।
जाती है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। फिर फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं साइप्रस वाइन। साइप्रस वाइन एक्चुअली ग्रो होता है बारिश के मौसम में, यानी अभी आप इस प्लांट को नहीं ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए आपको जून या जुलाई का महीना चूज़ करना होगा, और उसी टाइम जब ये प्लांट ग्रो करेंगे तो इसमें पूरी बरसात यानी अक्टूबर नवंबर तक आप इसमें पूरी अच्छी तरीके से फूल पा सकते हैं। एक बार ग्रो करने के बाद जैसे इसके सीड अपने आप ज़मीन में गिर जाते हैं तो उसके बाद आपको कभी भी ये प्लांट ग्रो नहीं करना पड़ेगा। इसके सीड्स खुद ब खुद जैसे ही मौसम आता है वैसे खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं और खुद ही ग्रो होने लगते हैं। इसीलिए साइप्रस वाइन भी आप ग्रो कर सकते हैं। ढेरों कलर में ये प्लांट मिलता है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। फिर फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत वाइन होती है। इसमें बहुत सारे कलर के फूल होते हैं, बहुत सारे कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं और इसके फूल मॉर्निंग के टाइम पे खिलते हैं। जैसे धूप तेज़ होती है इसके फूल बंद हो जाते हैं, बट जितने सी देर भी इसके फूल खिलते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। गार्डन में अगर बहुत सारे कलर के फूल एक साथ ग्रो करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग ग्लोरी को ग्रो कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वान्टिटी में फूल खिलते हैं और जैसे ये वाइन और ये वाइन फैलता भी बहुत जल्दी है, इसीलिए आप मॉर्निंग ग्लोरी को ग्रो कर सकते हैं। बट ये प्लांट फ्रेंड्स परमानेंट नहीं होता है, जैसे सीज़न ऑफ होता है ये प्लांट मर जाता है। इसकी सीड्स को आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और फिर से फरवरी मार्च में इसके सीडलिंग ग्रो करके आप इसको फिर से ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट आप नर्सरी से परचेस करने जाएंगे तो आपको लगभग 100 रुपीज़ में ये प्लांट मिलेगा। फिर फ्रेंड्स आप क्लेमेटिस वाइन को भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत इसमें फूल आते हैं और जब फूल खिलते हैं तो बहुत ही गुच्छों में इसमें फूल आता है। पूरा प्लांट ऐसे लगेगा कि पत्तियां नहीं, प्लांट में सिर्फ फूल ही फूल है। तो क्लेमेटिस वाइन को भी आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आई कैचिंग प्लांट होता है। नर्सरी में इस प्लांट को अगर आप परचेस करने जाएंगे तो ये लगभग 100 से 150 रुपये में आपको छोटा सा ही प्लांट मिलेगा। थोड़ा कॉस्टली होता है बट जब इसमें फूल खिलते हैं तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फिर फ्रेंड्स आप ग्रो कर सकते हैं फ्लेम वाइन। फ्लेम वाइन भी एक बहुत ही खूबसूरत वाइन होता है। इस प्लांट में भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। इसमें पूरे साल तो फ्लावरिंग नहीं होती है बट ये वाइन दिखने में इतनी खूबसूरत होती है और इसमें जब फूल खिलते हैं, नॉर्मली इसमें फूल इसी टाइम खिलते हैं जैसे स्प्रिंग का मौसम स्टार्ट होने में होता है, तब से लेके अप्रैल तक इसमें आपको फूल मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वान्टिटी में इसमें फूल खिलते हैं और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है। अगर आप किसी रेलिंग पर चढ़ाते हुए इसे ग्रो करेंगे तो जब इसके फूल खिलेंगे तो रेलिंग नहीं दिखेगी, ना ही पौधा दिखेगा और ना ही उसकी पत्तियां दिखेंगी। दिखेंगे तो सिर्फ इसके फूल जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और आई कैचिंग होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ खूबसूरत से वाइन वाले प्लांट जो कि आप अभी इस टाइम ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से परचेस करने जाएंगे तो इस टाइम आपको नर्सरी में ये प्लांट बहुत ही ईजिली मिल भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स इन पौधों को ग्रो करके आप गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग पा सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही पौधे हीट टॉलरेट प्लांट होते हैं और गर्मियों को बर्दाश्त करके अच्छी फ्लावरिंग देने वाले प्लांट होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे पौधे आपको पसंद आए होंगे। ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में बेल बटन दबाएँ जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।